फाइनली तुम लोगों ने इस वीडियो पर क्लिक कर ही लिया। हर साल इस कॉलेज में 500 से 1000 स्टूडेंट तो आता ही आता है, तो तुम सब भी इसी कॉलेज आ रहे हो तो बता दो, तुम सब की लगने वाली है तो लग गए। तो चलो ये वीडियो को शुरू कर दे क्वेश्चन मार्क के साथ। क्या आप लोगों को लगता है सच में ज्वाइन करना चाहिए एमबीयू? तो मेरे ख्याल में तो काफ़ी मिक्स फीलिंग है, बट जो फैक्ट है फैक्ट। मेरा 3 साल हो गया, मैं अभी करेंटली 4th ईयर में हूँ। नाम साम डिस्क्लोज नहीं करूँगा, आपको पता है सब। नहीं पता है तो नीचे सब्सक्राइब करो और उधर इंस्टाग्राम जाकर फॉलो करो और IB में आके बात करो अच्छे से, क्या है कैसा है, आपको जितना जो जानना है मैं सारा आके उधर आपको बता सकता हूँ, ठीक है? तो बात यह है कि क्यों ज्वाइन करना है MBU? आपसे पूछ रहा, नीचे कमेंट लिखिए क्यों ज्वाइन करना है, क्या देखते हो आप इस कॉलेज में? मेरे लिए स्पेशली, मेरे लिए, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, और मेरे सीनियर बोलते थे तब, जितना भी इधर उधर जितना भी मैंने जाना है, देखा है, सीखा है 3 सालों में, अब करेंटली मेरा 4th ईयर चल रहा है, तो नेटवर्किंग और थोड़ा इन्वायरमेंट होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। नेटवर्किंग तो आप बना लोगे कहीं से भी कहीं से, पर वो इन्वायरमेंट है ना, वो आपके हाथ में नहीं होता है, आपके दिमाग में नहीं बन सकता वो चीज़। कॉलेज में होना चाहिए, जो कि ये कॉलेज में सैडली एकदम सैड होकर कहना पड़ रहा है कि इस कॉलेज में नहीं है। तो थोड़ा इन्वायरमेंट नहीं है इस कॉलेज में, थोड़ा सा आपको वातावरण, वो फील, वो वाइब नहीं मिलेगा क्या? पर एक बात है, जो नॉर्थ इंडियन है उनके लिए तो काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है, काफ़ी डिफिकल्ट, क्योंकि हम जिस सिचुएशन में रहते हैं, जैसे कि जिस हम वाइब में, जिस मज़े में हम रहते हैं ना, वो सब यहाँ तो पॉसिबल ही नहीं है। सपने में भी नहीं सोचना, सपने में भी सोच रहे हो तो आपको पाप लगेगा, पाप। जो यहाँ के जो लोकल है, लोकल वाले के लिए तो ठीक रहेगा, क्योंकि उनको तो अब आदत हो गया है नारायणी चेतनिया, दिन भर सुबह शाम रात दोपहर पढ़ो, उनको तो आदत हो गया है, तो उनको खास उतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। जैसे कि हम नॉर्थ वाले हैं, हमको थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। अब 3 साल है, अब तो एडजस्ट कर ही लिया, 3 सालों में क्या है कैसा है सिस्टम। कॉलेज की कुछ 2-4 अच्छी भी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, तो मैं उन सबको तो डिस्क्लोज नहीं करूँगा, क्योंकि यहाँ पर अगर वो लोग देख लेंगे तो मेरे को टाटा बाय बाय बोल देंगे। तो मैं ट्राई करूँगा, आप आ सकते हो तो इनबॉक्स में आओ, इनबॉक्स में आकर आराम से बात करते हैं, या फिर अब कुछ नया जुगाड़ निकालना पड़ेगा। आप सजेस्ट करो क्या निकाल सकते हैं, क्या कर सकते हैं। तो यही है कि आपको आना हो तो बेटर करो कि कुछ अच्छा कॉलेज मिल जाए। लास्ट ऑप्शन रखो, लास्ट ऑप्शन, लास्ट प्रायोरिटी में रखो इस कॉलेज को, ठीक है? क्योंकि बाहर जाओगे थोड़ा एक्सप्लोर करने को मिलेगा, थोड़ा घूमने को मिलेगा, यहाँ थोड़ा ओल्ड सिस्टम चलता है, पुराना सिस्टम वही रिपीट रिपीट रिपीट। तो वही है कि थोड़ा सा हटके सोचो, थोड़ा सा हटके निकलो और थोड़ा सा एक्सप्लोर करो। इस टाइम पे भी मुझे 2-4 जूनियर्स ने पूछा था इंस्टाग्राम में, आगे नीचे लिंक दिया गया, आप जाकर फॉलो कर सकते हो। तो वहाँ पर पूछा गया था कि भैया क्या करें, आए कि नहीं आए, आए कि नहीं आए, क्या? तो मैंने उनको साफ बता दिया, समझ सकते हो आप। तो अभी 2-4 लोग अभी LPU में है, इधर हमारा ये आंध्रा यूनिवर्सिटी में, SRM में है, JNU यूनिवर्सिटी में भी सर, बैंगलोर में गया है। काफ़ी खुश लगा भाई, एटलीस्ट वहाँ जाएंगे थोड़ा एक्सपोजर मिलता है ज़्यादा। जैसे कि मेन सिटी में जाने का फ़ायदा ये होता है कि जान पहचान थोड़ा ज़्यादा बन जाता है, इनकेस कोई कंपनी वाला भी आदमी मिल गया तो उनको जान पहचान से आपको थोड़ा हेल्प हो सकता है, थोड़ा नहीं कुछ ज़्यादा ही हेल्प होता है। तो वो बात तो है, जैसे कि इस कॉलेज में नहीं, ये थोड़ा गाँव में पड़ता है। तो और एक बात और, यहाँ पर ज़्यादा पैसा है तभी आइए, एकदम फी एकदम फी माइंडेड है। तो फी हर चीज़ में, जैसे एग्ज़ाम से निकाल देते हैं, एग्ज़ाम नहीं देते, तो ये बात सब है, थोड़ा इसका आपको खास ख्याल रखना पड़ेगा। आपका बैकग्राउंड काफ़ी वीक है या फिर थोड़ा सा वीक है तो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, पर फैमिली है ना, मैनेज तो कर ही लेंगे। और क्या बताना चाहते हैं, बस यही पॉइंट सब था। आपको कुछ डाउट हो तो नीचे कमेंट करके लिखिए, कमेंट करके बताइए, मैं तो खैर यही हूँ आपको बताने के लिए, हेल्प करने के लिए, गाइड करने के लिए। और सब ठीक है, मस्त चल रहा है, जैसे तैसे करके आप 4th ईयर ख़त्म करके मैं 2-4 वीडियो और लाने वाला हूँ कॉलेज के ही रिलेटेड। हाँ तो भाई, वीडियो इन करने से पहले ये बता दूँ कि मुझे किसी का फीलिंग या फिर कॉलेज का फीलिंग का इंटेंशनली हर्ट करने का कोई इरादा नहीं है, बस ये वीडियो मैं एजुकेशनल पर्पोज के लिए बना रहा हूँ। क्या पता कल को भी आगे कोई कंप्लेंट करे कि सर ये भाई या ऐसा ऐसा वीडियो बनाया तो मेरी तो कॉलेज फिर टाटा बाय कर देगी, या फिर कॉलेज का कोई फैकल्टी देख रहा है तो ये वीडियो में बस उनके जो जूनियर आ रहे हैं उनके पर्पोज के लिए, उनके मतलब अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बना रहा हूँ, तो गलत वलत मत लीजिएगा, ठीक है? और कुछ भी हो तो नीचे कमेंट करके बताएगा। पर एक बात, एक सजेशन देना चाहता हूँ, अब इस कॉलेज आइए या ना आए आपके ऊपर मैं छोड़ता हूँ, ये आपका डिसीजन है। पर आप जैसे कि दूसरे कॉलेज कहीं पर भी जा रहे हो, कहीं पर भी जा रहे हो, तो प्लीज़
वहाँ पर किसी एक बंदे को पकड़ो, उनसे बात करो कि कॉलेज कैसा है, क्या करते हैं वहाँ पर, फीस स्ट्रक्चर कैसा है, पेमेंट कैसे करते हैं, और वहाँ का सिस्टम के बारे में जानो, इन्वायरमेंट कैसा है, सब अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ के जाओ, तभी होगा। या फिर आप मेरे बातें सुन के कहीं और दूसरी जगह चले जाओगे, इस कॉलेज नहीं आओगे, फिर इस कॉलेज का बंदा दूसरी कॉलेज चला जाएगा, फिर इस कॉलेज में कोई दूसरी जगह जाने वाला आदमी इस कॉलेज आ जाएगा, तो गाली तो मेरे को पढ़नी है ना। आप भले ही मुँह में ना दो, पर अंदर तो मन में गाली देगा, ये यूट्यूबर ने ऐसा बोलता, ये सीनियर ने ऐसा बोलता। ऐसा कुछ नहीं भाई, मैं कम्प्लीटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ, पर जो सिस्टम है, जो जैसा है, मैं आपको पूरा रियलिटी बताएं, ठीक है ना। तो मेरा वैसा नहीं है कि कहीं पर भी जाओ तो प्लीज़ एक बार बात कर लो, सिस्टम कैसा है, फाइल केस मतलब वो कैसे काम करते हैं, इंस्टीट्यूट क्या क्या है, कैसा है फैकल्टी, ये वो सब जान लो। तो चलिए आज का वीडियो इन करते हैं, उसके बाद बातचीत होती रहेगी ऐसे, और वीडियो में आपको कुछ, हाँ, और सब बात मैं वीडियो पर भी नहीं बता सकता हूँ, कुछ कुछ बातें आप इनबॉक्स में आए, इनबॉक्स में आकर बात करते हैं अच्छे से। इनबॉक्स का तो लिंक आपको पता ही, नीचे इंस्टाग्राम का है, फेसबुक है, व्हाट्सएप तो नहीं है, टेलीग्राम भी आप दे दूंगा मैं, टेलीग्राम पे भी आके बात कर सकते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सोच समझ के, ठीक है, कहीं पर भी कुछ भी करना है तो थोड़ा सा आप खुद में कंसर्न होकर करिएगा। आप बच्चे नहीं रहे, आप बैचलर पढ़ने वाले हो, बीटेक करने वाले हो, एमटेक करने वाले। नॉर्थ वाले के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, पर साउथ वाले के लिए ओके है, एकदम मान सकती हूँ, ओके ही है। तो और कुछ कहना है क्या आपको, कुछ पूछना है तो नीचे कमेंट करके पूछिए, ठीक है। कमेंट करके बताइए आप आने वाले हो कि नहीं आने वाले हो, क्या है कैसा है, मुझे जानना है। और कौन कौन सा टॉपिक होगा ना जो आपको डाउट लग रहा है, क्या है कैसा है, वो भी नीचे कमेंट करके बताया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून गाइस, टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में।